नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तहसील तपकही राज थाना क्षेत्र के पटहेरवा के अंतर्गत ग्राम सभा कपरधिक्का में एक दलित बिजली मिस्त्री करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले कि कपरधिक्का निवासी प्रमोद प्रसाद टेंट हाउस में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा का रहने वाला राजेंद्र सिंह मीटर लगवाने के लिए अपने साथ उसे ले गए थे और पोल पर चढ़ा दिया। अभी वो तार जोड़ ही रहा था कि उसमें विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे वह करंट की चपेट में आकर तार से चिपक गया। बिजली आपूर्ति बंद कराकर उसे अलग किया गया और उसे सीएचसी तमकुही ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि उनको विद्युत मीटर का ठेकेदार साजिश के तहत ले जाकर इनको मार दिया है। इस मौत से परिवारी जन सदमे में है। आपको बता दें कि परिवार में 5 बेटियां और 1 बेटा है। आप देख सकते हैं परिवार जनों का पूरा हाल सिर्फ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन उस मनबर ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं। आके मोटरसाइकिल पे परियाई से बोला राजेंद्र, राजेंद्र बाबू रुक के रुक के आप राजेंद्र बाबू बोला के लगा मोटरसाइकिल बैठा गए चल गए। हमार बाबू जब पुल पर चढ़ा देले बड़ा उनका के जब पुल पर से गिर गए बड़े तब भाग के लुका गए बड़े ले नारी पर सुता देले बालू तब से ना पता हो गए बालू हमरा के घर हाल नहीं खेलो देले जे हम बाबू लगवा गए रही थी रे तो हरा थका था लबो 10-11 बजे तक मैंने ऐसे 5 बजे के करीब में फ़ोन आने लगा कि आइए जल्दी काम करना है, सीढ़ी लगा के हम लोग बैठे हैं आइए। बार बार ये कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे, वो ज़बरदस्ती यहाँ से बुला के लेके गए। ले जाने के बाद से ना इन्होंने सीढ़ी के द्वारा चढ़ा दिया पुल को। पुल पर चढ़ाने के बाद से जब करंट मार दिया तो उसको से मार के धक्का गिरा करके नीचे गिराए लोग। गिराने के बाद से ना सूचना भी नहीं दिए और लेके चले गए स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज। ले जाने के बाद से ना वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो ये बताया गया इनके द्वारा कि जिला पर जाइए, जिला पर लेके चले गए लोग। हम जिला पर पता कर रहे थे तब तक ये ले आ करके लाश हमारे दवाई जब लेके चले गए। क्या लगाया जा रहा है, क्या क्या करना चाहते हैं इसके बारे में, क्या नहीं पहले से कोई जाति कार्रवाई करके उनकी FIR दर्ज उनके पर मुकदमा लिखा जाए। आपका इस पर कोई शक है किसी को? उनके ऊपर हमारा सारा क्लेम है, वही है घटना कराए हैं, मौत उनके वजह से हुई है। क्या हुआ आपके पिताजी के साथ में कुछ बताइएगा? पिताजी के साथ में फोन किए तो हम बोले हमारे पास मोबाइल, पापा के पास मोबाइल नहीं है, पापा हमारे घर सोच कर रहे थे तो बोले कि ले चलो हम ले गए। तो बात किए तो कह रहे हमारे पापा हमारे बोले हम घर से सोच कर रहे हम अभी भी नहीं जाएंगे। आए मोटरसाइकिल बैठा कर लग गए, कह रहे थे सीढ़ी हम सीढ़ी रखे हैं और सीढ़ी चढ़ाती हैं पोल पर, हमारे पापा चढ़ गए और पोल पर जब लाइट जब वो लाइट चालू की हैं पता ना कहाँ से वो लाइट नहीं काटे थे और दुश्मन से हमारे पापा को जान लिए हैं। जब लाइट नहीं काटे तो वो लाइट पर टंगा गए तो भाग गए। दूसर आदमी कोई लाठी से मार कर उस और गिराया और निहुरी हमारे पापा की। और एक राजेंद्र सिंह बुला कर लेकर गए थे वहाँ बिजली के खम्भे पर चढ़ाए हैं, बंद करवाइए इसको। और बिजली से उसको शॉर्ट लग गया, यही तो लोग बता रहे हैं। क्या मतलब कैसे सूचना मिली, कैसे खबर पता चला कि आपको? गांव के लोग बताएं जी। मालूम कै बजे मालूम पड़ा ये मतलब हादसा? की 6 बजे के आसपास। इसके पहले कितने बजे का मामला है ये? ये लोग बता रहे थे 5 बजे के आसपास का। अच्छा, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।